हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। समय के चक्र में आज धरती पर हर इंसान फंस गया है। समय हमारे साथ कब कौन सी घटना को लेकर आएगा हमारे जीवन में, इसका पता हमें नहीं चल पाता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी घटनाओं से हमारा सामना हमारे जीवन में हो जाता है। जब तक रहना है इस दुनिया में, समय के इस चक्र को समझना भी होगा, जानना भी होगा, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग इससे लड़ना भी होगा। क्योंकि आने वाले समय के बारे में हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, लेकिन कौन सी बात, कौन सी घटना आने वाले समय में, पल भर में हमारे साथ घटित होने वाली है, ये कभी कभी हमें भी पता नहीं चल पाता। अंदेशा हो जाता है। इंट्यूशन पावर हमें उस मोड़ तक ले जाती है, लेकिन एग्जैक्ट पिक्चर क्या होने वाली है इसका पता हमें भी नहीं लग पाता। लेकिन यदि हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और आने वाले समय को यदि अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने इंट्यूशन के द्वारा भांप लें, तो ज़रा सी सावधानी भी हमें आने वाले कठिन समय में वो स्ट्रेंथ प्रदान करती है, जिसमें हम अपनी एनर्जी लो नहीं होने देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन कभी कभी अनहोनी हर एक के साथ जीवन पर्यंत में, जितना जीवन उसका रहता है धरती पर, कभी ना कभी कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। क्योंकि कहावती है, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अपने आप को समय के साथ ढालते हुए यदि हम जीवन में आगे बढ़ें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। कलयुग में वो समय चल रहा है, घोर कलयुग जिसे कह रहे हैं, वो समय है जिसमें समस्याओं के बिना यदि आपका जीवन जीने की आप कल्पना करते हैं तो ये असंभव है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने, राम जी ने लोगों को अपने जीवन के द्वारा ये प्रेरणा दी कि दुनिया में रहना, अगर समस्याओं के साथ रहना इंसान सीख ले और उन समस्याओं से कैसे निजात पाना है अगर इंसान इस बात को जान ले, तो उसका जीवन इरिटेटिंग नहीं, प्रॉब्लमेटिक नहीं, बल्कि वो कठिन समय को भी हंसते मुस्कुराते हुए अपने इनर पावर के द्वारा उस कठिन समय को भी पार कर लेगा। हमारे जीवन में हम गुड डीड्स भी करते हैं, बैड डीड्स भी करते हैं, यानी अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी। अनजाने में ही सही, न जाने कब किसे हम क्या कह देते हैं और किसी को बुरा लग जाता है, वो भी हमारे एक बुरे कर्म में शामिल हो जाता है। क्योंकि दूसरों का दिल दुखाना बहुत ही गलत काम है। हम अनजाने में ही सही कभी इस तरह के बोल बोल देते हैं कि दूसरा हमें नासमझ या हमें अज्ञानी समझ बैठता है और उसका दिल दुख जाता है। 2023 वो समय है जब बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं और अनवांटेड इंसिडेंट्स इस दुनिया में घटने वाली हैं। सभी के जीवन में 2023 एक ना एक अच्छे या बुरे रूप में प्रभाव ज़रूर डालेगा। क्योंकि मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा, नेपच्यून का ईयर आध्यात्मिक ईयर, लेकिन आने वाला समय यानी 2023 वो कठिन समय है जहां आप अपने आप को बचा सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। ये वो ऑस्पिशियस टाइम हमारे जीवन में आने वाला है जिसमें हम पैसे रुपए नहीं बल्कि ब्लेसिंग्स को अर्न कर सकते हैं। ये वो शुभ समय आने वाला है जिसमें हम जितना दूसरों के द्वारा अपने लिए ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर लें, वही ब्लेसिंग्स हमें यदि
आने वाले समय में कई ऐसी घटनाओं से हमें दो चार होना पड़े जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की, तो हमारी वो ब्लेसिंग्स हमें उस घटना में रामबाण की तरह काम देगी। यानी आशीर्वाद कभी भी आपके जीवन में होने वाली घटनाओं से तो आपको नहीं बचाता, लेकिन वो सुरक्षा कवच प्रदान कर देता है जिसके द्वारा आप उस घटना को झेलते हुए भी, उस घटना को सहन करते हुए भी, उसका एक पार्ट होते हुए भी कहीं ना कहीं वो सुरक्षा कवच आपको उस घटना से थोड़ा बहुत नुकसान करा के बचत की दिशा की ओर ले जाता है, यानी बचाते हुए आपको उस घटना से पार लगा देता है। तो 2023 का समय जहां वायरस का अटैक, युद्ध का माहौल, राजनीतिक उठापटक, उपद्रव, अशांति का माहौल, उसी समय ये समय एक ऐसा आध्यात्मिक समय है जिसमें आप यदि किसी के लिए भी कुछ अच्छे कार्य कर सकें तो ज़रूर कीजिए। नॉट नेसेसरी कि आप चैरिटी करें, आप चैरिटी अपने विचारों के द्वारा भी कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आप धन के द्वारा, आप अन्न के द्वारा, आप कपड़ों के द्वारा अपनी उस चैरिटी को अंजाम तक पहुंचाएं, बल्कि अपनी अच्छी सोच के द्वारा भी, अच्छी सोच की चैरिटी के द्वारा भी आप अनवांटेड तरीके से भी ब्लेसिंग्स ले लेंगे। यानी आप चाहेंगे भी नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब, कौन, किस तरह से आपको आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि आपकी अच्छी सोच जब दूसरों तक पहुंचती है, उसका वाइब्रेशन जब दूसरों तक पहुंचता है और वो बेटर फील करता है, अकस्मात ही, अनजाने में ही, अनचाहे ही, उसके दिमाग से वो पॉजिटिव वाइब्स आपके लिए भी निकल जाती हैं जो आपके लिए उस आशीर्वाद को जन्म देती हैं जो हमें काम आएंगी उस समय, जिस समय 2023 का कठिन समय रहेगा। रिसेंटली एक व्यूअर ने ये कमेंट करके बताया, अपनी लाइफ की उस छोटी सी घटना को शेयर किया, जब वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ घटित होने वाला है, एक्सीडेंट होगा, लेकिन मन से वो स्ट्रांग थी और बार बार यही सोच रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था वो बहुत छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और वो और उनके पति सेफ हैं और अच्छी तरह सेफ रहे उस घटना में। तो इस घटना के द्वारा मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहती हूँ, जब तक हम इस युग में हैं, यानी मानव जन्म में हैं, हमें भी कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। कृष्ण जी ने यही संदेश दिया, राम जी ने भी यही संदेश दिया कि समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसी सोच भी हमें क्रिएट नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी सोच के द्वारा हम उन समस्याओं से कैसे लड़ सकते हैं और कैसे हम कठिन समय में उस आशीर्वाद का प्रयोग रामबाण की तरह हमारे कठिन समय में होगा, ये हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि कभी भी हम अच्छे कार्यों को करें ताकि दूसरों के द्वारा हमें एक अच्छा आशीर्वाद मिले, वो आशीर्वाद जो कि हमारे लिए रामबाण साबित हो। तो आशा है आप भी 2023 के कठिन समय में घबराएंगे नहीं, बल्कि अपने लिए पैसे रुपये नहीं, बल्कि आशीर्वाद को अर्न करने की कोशिश करेंगे अपने नेक कर्म के द्वारा, अपनी अच्छी सोच के द्वारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।